मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज बनाया है ये कैरी बैग, ये मैंने कपड़े में से बनाया है। आपके पास कोई भी पुराना कपड़ा हो आप उससे बना सकती हैं। तो क्योंकि मार्केट में जाते हैं तो पॉलीथिन बंद हो गई है और सब्जियां भी ला नहीं पाते, तो इसे हम बहुत ही आसान तरीके से पॉकेट में रख के ले जा सकते हैं। देखो, इसे पॉकेट में भी रख के ले जा सकते हैं और इसमें सब्जियां भी ला सकते हैं। तो इसे ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बना के दिखाऊंगी कि इस तरीके से ये कैरी बैग कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइडों से इसको कट कर दिया है, देखो मैंने, और पीछे की साइड में मैंने कट कर दी है। अब इसे हम पूरी को खोल देंगे। देखो, इसे हम चौड़ा कर लेते हैं। तो देखिए, पकड़ने वाली पट्टी देखो और ये पीछे की पट्टी मैंने कट कर दी है और मैंने इसे चौड़ा कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, इसी के नाप का कपड़ा कट करेंगे। तो देखिए, इसी के नाप का हम कपड़ा कट करेंगे। कपड़ा हम डबल कट करेंगे, जैसे कि हमारी पॉलीथिन भी डबल रखी हुई है। तो देखिए, अब इस पे मैं निशान लगाऊंगी। इसी तरह कपड़े को कट कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने ये कपड़ा भी पॉलीथिन की तरह कट कर लिया, यानी कैरी बैग की तरह। अब क्या करेंगे, अब अपनी किनारियों को हम सिलेंगे। तो ये वाली किनारी मेरी सिली हुई है और इस किनारी को हम सिल लेंगे इस तरीके से। देखो, पहले एक बार मोड़ेंगे हल्का सा, फिर दूसरी बार मोड़ेंगे। तो इसी तरीके से अब इसे हम सिल लेते हैं। इसे सिलने से पहले हम इसका गला सिलेंगे, यानी गला बनाएंगे। इसे जो बीच में पकड़ने वाला होता है, ऐसे उन्हें सेट करेंगे इस तरीके से। तो पहले इसे हम ऐसे ही डबल बार मोड़ेंगे और एक गले की तरह, जैसे कि गला बनाते हैं वैसे ही इसे हम बना लेते हैं। तो देखिए, मैंने इसका गला भी अच्छे से बना दिया है और ये साइड भी मैंने इसकी अच्छे से बना दी है। अब इसकी इधर की साइड को बनाएंगे, इधर की साइड को। इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे कि हम सूट ब्लाउज बनाते हैं सेम उसी तरीके से बनाना है। और देखो, अभी मैं आपको बता देती हूँ, पहले इस वाली साइड को हम सिल लेते हैं और इसका यहाँ से ये बना देते हैं। अब क्या करेंगे इसमें हम, देखो ये मैंने सिल लिया है इधर की साइड से। अब इसे हम सीधा करेंगे। देखिए, ये मैंने सीधा कर लिया है। देखो, इस तरीके से हम इसे चौड़ा करेंगे, ऐसे बीच में इस तरीके से पकड़ेंगे। देखो, इन दोनों कोनों को मिलाएंगे हम। ऐसे देखिए, इस तरीके से, जैसे पॉलीथिन होती है प्लास्टिक वाली, उसकी शेप दे देंगे इसे। ऐसे ही दूसरी साइड को हम करेंगे फिनिश। देखो, इस तरीके से इसे हम ऐसे कोनों से कोना मिलाएंगे। ऐसे इन वाले कोनों को भी मिलाएंगे। देखिए, ये प्लास्टिक वाले बैग की मैंने इस पे शेप दे दी है। क्या करेंगे हम, तो देखिए, ये मैंने 2 इंच की एक पट्टी कट की है, एक पट्टी की कट की है मैंने ये,
सिर्फ 2 इंची की। अब क्या करेंगे, इसे हम डबल करेंगे। देखिए इस तरीके से ये मैंने डबल कर ली है। इसे हम यहां पर रखेंगे, ऐसे ऐसे रखेंगे और इस पे इस तरीके से सिलाई लगा देती हैं। यहाँ पर सिलाई लगा देती हैं। तो पहले हम सिलाई लगा लेते हैं, एक बार यहाँ पर पहले हम सिलाई लगा लेते हैं, यानी इस पट्टी को और जो कपड़े की पॉलीथिन बनाई है उसे दोनों को अटैच कर लेते हैं। देखिए मैंने ये पॉलीथिन के साथ, कपड़े की पॉलीथिन के साथ और ये पट्टी मैंने अटैच कर ली है। अब क्या करेंगे, अब इसे इधर की साइड में ऐसे और इसे हम पहले इस तरीके से मोड़ेंगे ऊपर की तरफ और फिर इसे इस तरीके से इस पर मशीन लगा देते हैं, यानी इसे भी इसे देखो यहाँ पर सिलाई कर देते हैं। एक बार मैं आपको और बताती हूँ, पहले मैंने इधर से अटैच किया था, देखो अब इसे ऊपर की तरफ लाएंगे, देखो इस तरीके से, और इसे हम पहले यहाँ से कोनों को मोड़ेंगे ऐसे और इसे भी हम इस तरीके से। अब इस पे हम मशीन लगा लेते हैं, यानी इसकी भी सिलाई कर लेते हैं। देखिए पीछे की भी पट्टी मैंने अच्छी तरह लगा ली है। अब हम आगे के जो पकड़ने वाला हिस्सा होता है पॉलीथिन का, उसे सेट करेंगे। देखिए मैंने ये उल्टी तरफ से इस तरीके से दोनों चौड़े करके पकड़ लिए हैं। एक बार मैं आपको इसे भी दिखाती हूँ, उल्टी तरफ से मैं पकड़ रही हूँ इसे। अब इन दोनों पे यहाँ पे मशीन लगा लूंगी, यानी इस पे सिलाई में दोनों तरफ कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने ये उल्टी तरफ से सिल दिए हैं, अब हम इन्हें सीधा कर देंगे। और जैसी हमारी पॉलीथिन की ये पकड़ने वाले हिस्से थे उसी तरीके से हम इन्हें कर देंगे। देखो बहुत ही आसानी तरीके से सीधे हो जाते हैं, देखो ऐसे ही सीधा इसे भी कर देते हैं हम। तो ये मेरा पॉलीथिन जैसा कैरी बैग बनके तैयार है। इसे आप किसी भी चीज़ में यूज कर सकती हैं। तो ये बनके तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।